बस एक कटोरी पोहे से मैं आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी जो तली नहीं जाएगी, स्टीम्ड रहेगी और खाने में इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप कहोगे वाह। तो मैंने यहाँ पे जो पोहा लिया है एक कटोरी, इसको कुछ लोग चूड़ा भी कहते हैं, इसे मैं छन्नी में डाल लूँगी सबसे पहले और इसे हमें अच्छे से वॉश करना है। नॉर्मल पानी से ही हमें वॉश करना है क्योंकि इसमें कुछ डस्ट से होते हैं ऊपर, तो वो अच्छे से धुल जाएगा। 2 से 3 पानी से आप इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करिएगा। जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हमारे चैनल में इजी से इजी रेसिपी आपको बताई जाती है जिसको आप बना सकते हो गेस्ट के लिए भी और अपने लिए भी, बहुत ही आसान रहता है और हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए हमने पानी इसको फेंक दिया है और अब मिक्सर ले लिया है जिसमें मैंने एक छोटी कटोरी सूजी लिया है, मतलब जितना आप पोहा लोगे उसका आधा आपको सूजी लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने अब यहाँ पे पोहे को भी इसमें डाल दिया है, सूजी को हमें धोने की ज़रूरत नहीं है। पोहा को भी डालने के बाद आपको चाहिए दही। दही यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी से लिया है क्योंकि हमारी दही खट्टी है, इसलिए हम ज़्यादा दही आज नहीं लेने वाले हैं। अगर आपका दही नॉर्मल हो तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं। 2 मिर्ची लिया है और यहाँ पे करी पत्ता लिया है ढेर सारा। अब हमें क्या करना है, जो दही की कटोरी थी ना उसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के इसका जो दही है ना हम इसे भी मिक्सर में डाल लेंगे। इसके बाद हमें इसे अच्छे से पीस लेना है, इसमें हमें थोड़ा और भी पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पीस के हमारा निकल गया है, अपने डोंगे में निकाल ली हूँ। अब डाल रही हूँ जीरा 1/4 चम्मच है यहाँ पे, और मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1/4 चम्मच है, कश्मीरी मिर्च, हल्दी डालूँगी थोड़ा सा कलर के लिए, और अब डालूँगी कश्मीरी मिर्च जो कि केवल कलर के लिए ही होता है, इसमें स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल, और ढेर सारी धनिया की पत्ती। इससे हमारी रेसिपी दिखने में जितनी ही अच्छी लगती है ना उतनी ही इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो मतलब क्या बात है। अब जो है इसमें हमें डालना है स्वादानुसार नमक, आप जितना भी खाते हो कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब आराम से आपको इसे हाथों से मैश करना है, चम्मच से आप मैश कर सकते हो लेकिन जितने अच्छा सा अगर आप हाथ से करते हो ना उतना अच्छा आप चम्मच से मैश नहीं कर पाओगे। हाथ से कोई भी चीज़ अगर आप मैश करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर मैश होती है, इसलिए मैं ये देसी स्टाइल हमेशा अपनाती हूँ हाथों का इस्तेमाल करके। तो ये मेरा देखिए कितना ही बढ़िया सा हाथ से मिक्स हो रहा है। मिक्स करने के बाद आपको देखिए इसमें आपको सोडा डालने की और इनो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस दही सूजी और पोहे से ही बन रहा है ये रेसिपी। तो बस इसे हम साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे, थोड़ा सा मसाले अंदर अच्छे से हो जाए इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, हाथों में हल्का सा पानी लगाना है, आज ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो हाथ में पानी लगाएंगे, इसे गोल गोल टिक्की के जैसे बनाएंगे और फिर हाथ में उंगलियों में अपने पानी लगाने के बाद हम इसे 20 से एक बड़े का साइज दे देंगे। ठीक है, ये हमने बड़े का साइज दे दिया, लेकिन इसको हमें तेल में फ्राई नहीं करना है, इसे हमें करना है स्टीम। ओके, स्टीम करके उड़द दाल का बड़ा नहीं बना रहे हम, ये एक इवनिंग नाश्ता बना रहे हैं, मॉर्निंग में भी आप खा सकते हैं और गेस्ट आए तो आप उनके लिए भी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। सेम इसी प्रोसेस से ये देखिए बहुत ही आराम से इसमें आप होल कर सकते हैं और इसे आपको सब इसी तरह से एक एक करके बना लेना है, बहुत ही आराम से बना पाओगे आप, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है कि आपका नहीं बनेगा। अब मैंने अपने स्टीम वाली थाली में तेल लगा लिया है जिसमें मैंने सारे अपने रेसिपी को डाल दिया है और पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए छन्नी को ऊपर रख के स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मीडियम फ्लेम पे आप ये प्रोसेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिए क्योंकि जब धीमी धीमी कोई चीज़ पकती है ना तो उसका स्वाद और हाई फ्लेम का स्वाद बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको ये प्रोसेस करना है। 10 मिनट हो गए थे और ये हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है।
और निकालने के बाद आप ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बने हैं, बिल्कुल भी टूटे भी नहीं हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो अब हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के हिसाब से तेल कढ़ाई में डाल लिया है। तेल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो सरसों के दाने डालना है, साथ में आपको यहाँ पे 1 चम्मच जीरा भी ऐड कर देना है। जीरा और सरसों जब तड़कने लगे तो आपको करी पत्ता ढेर सारा डालना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में 1 प्याज जो हमने काट के रख लिया था महीन महीन, इसे भी हमने ऐड कर दिया है। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पे आप ये प्रोसेस करिएगा। और जब आपका प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपको इसमें टमाटर डालना है। तो यहाँ देखिए हमारा प्याज अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, करी पत्ता भी थोड़ा रंग चेंज कर दिया है हमने। यहाँ पे 1 टमाटर बराबर साइज में प्याज के टमाटर भी काट लिया है। इसमें हमें डालना है अभी थोड़ा सा नमक, ये टमाटर जो हमारा है ना ये गलने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। बाकी हमने जो पोहे की रेसिपी बनाई है उसमें हमने नमक डाला हुआ था, इसलिए हमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए। साथ में धनिया का पाउडर थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ऊपर से ये जब चीज़ें पड़ती है ना तो वो रेसिपी को 4 गुना ज़्यादा टेस्टी बना देती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी का भी उपयोग किया है। आपने धनिया की पत्ती पहले डाल रखा था, इस समय जो इसमें टेस्ट बढ़ाएगा वो आपका कसूरी मेथी और करी पत्ता बढ़ाने वाला है। तो अभी हमें धनिया की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टमाटर हमारा देखिए थोड़ा सा पक गया है, अच्छे से कुचने लगा है। तो अभी आपको आपने जो अपनी रेसिपी पोहे की बना के रखी है आप इसमें डाल दीजिएगा सारे रेसिपी को। तो 1 कटोरी पोहे और 1/2 कटोरी सूजी में मेरे इतने सारे नाश्ते बने हैं जो हमारे फैमिली के लिए पर्याप्त हैं और सभी कोई नाश्ते के टाइम इसे बहुत ही अच्छे से खा सकता है। और वैसे तो मन नहीं भरने वाला क्योंकि ये उस हिसाब से कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी है, एज ए नाश्ता आप इसे बना के खा सकते हैं। इसे हमें 2-3 मिनट अच्छे से भूंज लेना है जिससे कि ये अच्छे से गर्म भी हो जाएगा और नीचे ऊपर से चलाते हुए आप इसे अच्छे से भूंज भी लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता और 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है जिसके लिए आपको कुछ भी पहले से फुला के रखने की ज़रूरत नहीं है, ना फुलाना है ना उबालना है, टाइम नहीं लगना है, फटाफट से आप इस रेसिपी को बना सकती हैं और खा सकती हैं। अगर हमारी बताई गई चैनल की रेसिपी आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।